स्टार्ट द टॉक। सर ड्यूरिंग डिस्कशन हमारे एक वरी उसमें ये आ रही थी सर, जो आपका जो ये व्यू आपने हमें बताया सर, वो कंप्रोमाइज हैज अ रिग्रेट। अब ये है सर कि कंप्रोमाइज और जो कंप्रोमाइज तो खैर वाइल इन मतलब आप जब मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ या कहीं आप सर्विस किसी पैटर्न में जाएं या कहीं भी एक वर्क एनवायरनमेंट हो तो वो तो इट इज फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। मतलब आप अगर उसे वर्डिंग हम चेंज कर भी लें लेकिन सर हम अपनी चॉइस के खिलाफ जहां भी जाएंगे या वेयर आई फील लाइक कि मुझे इतनी इतना एक वैक्यूम या इतना एक स्पेस मुझे अवेलेबल होना चाहिए वो तो शायद अवेलेबल ना हो, चूंकि ये तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जी। तो कंप्रोमाइज तो ये कंप्लीट आपकी जितनी वो सर्विस लाइफ है वो कंप्रोमाइज पे ही होगी, उसको आप रिलेट कर सकते हैं विद द सैक्रिफाइस। तो अगर कंप्रोमाइज और सैक्रिफाइस का एक बैलेंस क्रिएट हो जाए सर तो मेरे ख्याल पे यही शायद लीडरशिप का एक बेस्ट एस्पेक्ट होगा। राइट जी, राइट सर मान साहब जी, मेरा कमेंट इसके ऊपर यह है कि कंप्रोमाइज नहीं करना, हम ये गलत लफ्ज यूज करते आए हमेशा से, कंप्रोमाइज नहीं करना, इसका नेमुल बदल जो लफ्ज है वो सेक्रीफाइस नहीं है। सेक्रीफाइस तो मैंने बताया कि वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, कंप्रोमाइज का जो नेमुल बदल लफ्ज है जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए, वी शुड एटलीस्ट बी ट्राइंग ऑलवेज टू डू दैट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एडजस्टमेंट। ठीक है, हमें एडजस्टमेंट से चलना है। उसकी एग्जाम्पल जैसे मैं अभी दी थी कि कंप्रोमाइज इज लाइक अ स्प्रिंग एंड एडजस्टमेंट इज लाइक अ स्ट्रिंग, रस्सी। स्ट्रिंग की क्वालिटी ये होती है कि स्ट्रिंग को आप किसी तरफ भी मोड़ो वो मुड़ तो जाएगी लेकिन अपनी स्ट्रेंथ पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। राइट, सो एडजस्टमेंट के साथ, एडजस्टमेंट का जो टूल आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, एडजस्टमेंट का टूल ये कहता है कि आप उसमें रिग्रेट से मोस्टली बच जाते हो और आपकी जो इनर सेटिस्फेक्शन है वो क्रिएटेड रहती है। लेकिन नो डाउट कि ये एक डिफिकल्ट प्रैक्टिस है, ये एक कॉन्टिन्यूस एफर्ट है और बेसिकली ये टूल है, ये हथियार है, ये आपके पास एक जरिया है अपने आप को रिग्रेट से महफूज रखने का। अदरवाइज अगर फर्ज करें कि किसी गिवन सिचुएशन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ सिचुएशन हो, चाहे वो कम्युनिटी इंटरेक्शन सिचुएशन हो, किसी सिचुएशन में अगर आपको लगे कि एडजस्टमेंट अब मुमकिन हो ही नहीं रही तो फिर कंप्रोमाइज का रास्ता तो ऑलरेडी खुला ही था ना, फिर तो कंप्रोमाइज कर ही लेना था। राइट, तो कंप्रोमाइज खत्म नहीं हो गए, कंप्रोमाइज का आपको मैं एक इंटरेस्टिंग और एक अट्रैक्टिव और एक खूबसूरत अल्टरनेटिव बता रहा हूं कि उसका अल्टरनेटिव यह है कि लाइफ में कंप्रोमाइजेस करने की बजाय, और कंप्रोमाइज और एडजस्टमेंट में भी याद रखिएगा एक बड़ा मामूली सा फर्क है। इट इज जस्ट लाइक द कलर्स ऑफ द रेनबो, जो कि हैं तो डिफरेंट लेकिन आपस में डिफ्यूज भी हैं, और वो जो बहुत छोटा सा फर्क है कंप्रोमाइज और एडजस्टमेंट के दरमियान, वो छोटा सा फर्क बेसिकली एक हदीस मुबारका मेरे जहन में आ रही है जिसका पहले कुछ अल्फाज में कोट कर रहा हूँ, हदीस तो बहुत लंबी है, मैं पहले कुछ अल्फाज कोट कर रहा हूँ और वो कुछ इस तरह से है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। राइट, तो अगर आप अपनी सिर्फ नीयत को एडजस्टमेंट का बना लें तो कंप्रोमाइज से काफी हद तक आप बच जाएंगे, उस रिग्रेट से काफी हद तक आप बच जाएंगे। आप उस ट्रांजेक्शन में, मैं ये जान के वर्ड यूज कर रहा हूं, उस ट्रांजेक्शन में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजेक्शन है, चाहे वो पर्सनल लाइफ ट्रांजेक्शन है, या चाहे वो कम्युनिटी लाइफ ट्रांजेक्शन है, आप उस ट्रांजेक्शन में लॉस से बच जाएंगे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं कि एडजस्टमेंट और कंप्रोमाइज में फर्क मैं कैसे कह रहा हूं। वो ये कहा जाता है कि बिजनेस में लॉस लॉस नहीं होता जब तक कि आप उसको एज एक्सपीरियंस वो पिक करते रहें। ओके, अब ये आप इसको आइडियलिस्टिक थॉट्स भी कह सकते हो, बट स्टिल व्हाट इज द हार्म टू थिंक इन दैट वे कि आप उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को, उसी सिचुएशन को, उसी रिएक्शन को, आप सिर्फ अपनी नियत की दुरुस्तगी से आप एक बेहतरी की तरफ वो लेकर जा सको। ठीक है, सो उस बारे में लाइक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको मैं एग्जांपल कोट करता हूं कि देयर वाज अ पर्सन हु प्लान टू गो फॉर अ सुसाइड। ठीक है, उसे खुदकुशी का इरादा कर लिया क्योंकि वो जिंदगी में बिल्कुल नकामे जमाना और नकामे तमन्ना था। उसके फ्रेंड ने उसको कहा कि खुदकुशी करने से पहले तुम ऐसे करो कि अपने जिंदगी के वाकयात के ऊपर एक किताब लिखो, उसके बाद खुदकुशी कर लेना। उसने कहा ठीक है, उसने अपने वाकयात, जिंदगी के वाकयात के ऊपर एक किताब लिखी, उस किताब का टाइटल था कि हाउ टू गेट फेल इन लाइफ। ठीक है,
इस तरह का उसका टाइटल था एक, उसने किताब लिखी, उसके दोस्त ने उससे किताब ली, उसको एक थोड़ा कहा एक दो दिन ठहर जाओ, उसने किताब वो छपवाई, छपवा के उसने बेची, अमेरिका में बेस्ट सेलिंग रिकॉर्ड उसका ब्रेक हुआ और ऊपर से बहुत अमीर हो गया। उसकी किताब का नाम क्या था? हाउ टू बी फेल्ड इन लाइफ। ओके, सो अपने नेगेटिविटीज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए समटाइम्स हमें इन चीजों का, अपनी नियतों की दुरुस्तगी का वो सहारा लेना पड़ता है, कीपिंग कॉन्स्टेंट कि वही रिएक्शन, वही अमल, वही सब कुछ। जी रिफत, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, मतलब हर किसी के अपने कंसर्न्स और अपने मफादात होते हैं, लेकिन एक लीडर का मुकाम ऐसा है कि जिसने अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे रख के अपने अपने टीम के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। अशफाक अहमद साहब की एक कोर्ट मेरे ज़हन में आ रही है, एक दफ़ा वो वाक्या बयान कर रहे थे कि बड़ा इंसान वो है जो काम करने के वक्त कतार के सबसे शुरू में होता है और जब इनाम मिलने का वक्त होता है तो कतार में सबसे आखिर में चला जाता है। तो यही वो एडजस्टमेंट्स है जो वो करता है, अपने रोल को उस वक्त सामने लेके आता है और उसकी खुद नुमाई नहीं करता, मतलब उसका कोई क्रेडिट इस तरह से नहीं लेता कि ये मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, बल्कि अपनी टीम को इनेबल करता है, उसको आगे रखता है। उसी सिलसिले में अभी आपने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अशआर कोट किए थे, तो ये रिलेट करके एक कथा मेरे ज़हन में भी आ रहा है। शमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, हम उसी आग में गुमनाम से जल जाते हैं, और खुद नुमाई तो नहीं शेवाए अरबाब वफा, जिनको जलना हो वो आराम से जल जाते हैं। एब्सोल्युटली, सो एडजस्टमेंट जो है वो आपसे बहुत मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स में चीजें डिमांड करती है, और नो डाउट मैं अगेन वो बात कोट कर रहा हूँ, ये बड़ा इस पे बड़ी बहस और बड़ी वो तनकीद और बड़ी तमहीद है कि कंप्रोमाइज और एडजस्टमेंट में फर्क क्या है। तो उसमें पहला फर्क जो आ रहा है वो आप अपने आप को जो है वो सबमिसिवनेस की तरफ भी ले जाते हो, आप अपने आप को नलीफाई भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, एट द सेम टाइम आपका रिएक्शन वही होगा, आपका अल्फाज भी वही होंगे, आपका इकदाम भी वही होगा, लेकिन यू नो इट इज लाइक दैट यू आर मोर involved, engaged and committed in whatever you are doing. ठीक है, so debate would be continued. सलमान साहब आपका point भी बिल्कुल ठीक है कि हम उस चीज को नाम आज तक compromise देते आए, लेकिन मैं उसको अब इस वक्त इस stage of life के ऊपर थोड़ा सा उसमें addition करवाना चाह रहा हूँ कि compromises तो है ही है, उसमें तो कोई इनकार है ही नहीं, right? लेकिन एक बेहतर और option, एक और tool हो सकता है, which is adjustment. Right, हम अपनी slides द्वारा share on करते हैं और डिस्कशन को फिर से शुरू करते हैं जहां तक हम अपनी थॉट को लेकर चले थे, बिकॉज हमारी एक्सरसाइजेस भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। आई होप द स्लाइड इज विजिबल एंड लेट मी स्टार्ट अगेन। रीडिफाइनिंग लीडरशिप, ब्रिंगिंग द होल पर्सन इन। अब ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है रीडिफाइनिंग, तो एडजस्टमेंट के बारे में आप यही समझ लें कि मैंने कंप्रोमाइज को रीडिफाइन करने की कोशिश की है इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, अदरवाइज कंप्रोमाइज से कोई इनकार नहीं है। सो ब्रिंगिंग द होल पर्सन इन, ये हम कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि लीडरशिप जो है ना, लीडर्स वो बेसिकली मोबिलाइज करते हैं पीपल को टुवर्ड्स वैल्यूड गोल्स। अब यहां पर बड़ा सेंसिटिव ये वर्ड है कि व्हाट आर दोज वैल्यूड गोल्स, और उनकी वैल्यू को डिटरमिन कौन करेगा, और कैसे पता चला कि वो एक्चुअली वैल्यूड भी हैं कि नहीं? क्या हम, वो जिसे पंजाबी में मैं एक वर्ड यूज करना चाह रहा हूं, कि प्लेखे में ही तो नहीं मारे गए? ठीक है, सो लीडर्स मोबिलाइज पीपल टुवर्ड्स वैल्यूड गोल्स, दिस इज अगेन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडर्स। और उस वैल्यूड गोल्स की तरफ जाने के लिए, योर ऑथर हैज आइडेंटिफाइड द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दोज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ द लाइफ आर बेसिकली द वर्क, द होम, द सेल्फ एंड द कम्युनिटी। वो कहते हैं कि ये फोर वेव विन्स हैं, और इन फोर वेव विन्स को, इन फोर डायमेंशंस ऑफ लाइफ को, जिन सर्कल्स के सेंटर आप बेहत वक्त आप ही हैं, हमें अलाइन भी करना है, मैनेज भी करना है, प्रायोरिटाइज भी करना है, ट्रेड ऑफ भी करना है। ओके, देयरफॉर एक और बड़ा खूबसूरत जो मुझे एक्सप्रेशन लगा इसमें, वो कहता है कि लीडरशिप इज अ लिमिटलेस रिसोर्स, द मोर द बेटर। ठीक है, कोई भी अल्टीमेट लीडर नहीं हमें नजर आ रहा आजकल के जी होश दुनिया में। सो इट्स अ लिमिटलेस रिसोर्स, इट्स अ डायरेक्शन। व्हाट इफ मैं एक और डायमेंशन आपके सामने पेश करता हूं लीडरशिप के हवाले से, कि लीडरशिप इज नॉट अ डेस्टिनेशन, लीडरशिप इज रादर ओनली अ डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन टुवर्ड्स वैल्यूड गोल्स। ओके, सो लीडरशिप अगर एक डायरेक्शन हम डिक्लेयर करें तो उसकी तरफ जितना भी हम डेवलप करें शायद उतना ही कम है।
और अल्टीमेट लीडर शायद जी होश दुनिया में, मैं फिर से बात कर रहा हूं, हमें शायद कोई नजर वो ना आए, बिकॉज एवरी पर्सन इज यू नो हैविंग ए चांस ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट, फर्दर बेटरमेंट एंड फर्दर डेवलपमेंट. आपकी बुक में चूंकि हमने इन चीजों को थोड़ा सा मैनेजरियल कंसर्न्स के साथ पे लिंक अप करना है, इट इज सेड दैट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेवल्स रिलेटेड टू लीडरशिप एंड मैनेजमेंट लेवल्स कि एट डिफरेंट लेवल्स आर लीडर्स डिस्क्रिशन रिसोर्सेज एंड इंपैक्ट वेरी. फॉर एग्जांपल जब हम इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो वो हमेशा ये सोचता है मी एंड माई वर्ल्ड. जब हम मिडिल मैनेजर्स की बात करते हैं तो उसकी सोच एक स्टेप आगे चली जाती है, वो ये सोचता है मी एंड माई वर्ल्ड इंक्लूडिंग माई डायरेक्ट रिपोर्ट्स, क्योंकि अब उसके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं, उसके चेन ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल में देर आर पीपल वर्किंग अंडर हिम और हर, और वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है. वो ये कहता है कि मी एंड माई वर्ल्ड इंक्लूडिंग माई डायरेक्ट रिपोर्ट्स. जबकि अगर हम टॉप मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव को देखते हैं, उनको जिस विजन के साथ होना चाहिए, एंड दैट इज दैट दे आर नो डाउट कंसर्न अबाउट मी एंड माई वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम while saying this me and my world they are also talking about that they are including my organization as a whole as well. Okay, to ab ye different levels ke upar different heights par aapko valley ke different nazare dekhne ko milenge. Agar aap mountain top par khade hain to aapko wadi mein bahut kuch nazar aayega. Agar aap mountain top se middle of the mountain ke level pe khade hain to value aapko different tarah ki nazar aayegi. Agar aap bilkul valley ke andar khade hain to valley aapko different tarah ki nazar aayegi. So depends upon on what the height you are standing, aapke liye the view of this world would be very different. And obviously you can understand ke what do I mean by the word height. Okay, और वो जो हाइट भी है उसके बारे में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट वो कहा जाता है कि हाइट्स बाय ग्रेट मेन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेंड इन अ सडन फ्लाइट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉइलिंग अपवर्ड इन द नाइट. ठीक है, सो एक एकदम से कोई भी उस हाइट पर नहीं पहुंचता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ मोटिवेशन, लॉट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, लॉट ऑफ सेल्फ कंट्रोल टू रीच टू दोज हाइट्स. वहां पर पहुंचकर फिर आपको मी एंड माय वर्ल्ड के अलावा दूसरे भी कुछ दिखने वो शुरू होते हैं. सो दिस बुक इज बेसिकली अगेन एम्फसाइजिंग अपॉन दिस रियलिटी व्हिच इज टॉकिंग अबाउट दैट एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू लीड. ओके, और इस पोटेंशियल को कभी भी अपनी जात से जुदा मत होने दीजिएगा, रिगार्डलेस कि आप किस हाइट पर हैं. आपसे नीचे भी और लोग होंगे, राइट right? और उसमें भी हमें बड़ा केयरफुल जो है वो रहकर चलना है कि हम अपने से जो नीचे वाले लोग हैं, जो हमारे इन्फ्लुएंस में हैं, जो हमारी पावर एंड कंट्रोल में हैं, जो हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में हैं, हम उनको किस तौर, किस निस्बत, किस तरह से वो डेवलपमेंट की तरफ वो लेकर जा रहे हैं. तो एवरीवन हैज द पोटेंशियल टू लीड, रिमेंबर दिस थिंग. और उस पोटेंशियल को अपने मिरर इमेज में खुद से देखने की कैपेबिलिटी वो हमारे अंदर होनी चाहिए. और इसमें भी सबसे पहला जो स्टेप होगा वो नियत की दुरुस्तगी का होगा कि आप पहले, सबसे पहले ये नियत करो कि यू हैव टू सी दिस थिंग इन यू. द नेक्स्ट टॉपिक इन द बुक इज टॉकिंग अबाउट रीडिफाइनिंग वर्क लाइफ इंडिविजुअल परसुइंग फोर वे विंस. यहां पर एक आइडिया जो कि एक अरसे से लोगों के जहनों में चल रहा था, बेशुमार एचआर की प्रैक्टिसेस इसके ऊपर चल रही हैं, बेशुमार ट्रेनिंग्स इसके ऊपर करवाई जा रही थी, बहुत सी डिबेट इस टॉपिक पे चल रही थी, एंड दैट वाज टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस. वर्क लाइफ बैलेंस में भी चंद डायमेंशंस आपके सामने रखी गई कि देयर इज वर्क, देयर इज फैमिली, देयर इज फ्रेंड्स, देयर इज सेल्फ, और इन तमाम के अंदर हमें एक बैलेंस को क्रिएट करना है. लेकिन याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट बैलेंस, ये एक और आइडिया आपको बड़ा इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, टिप ऑफ द डे, कि एब्सोल्यूट बैलेंस इन लाइफ इज नॉट पॉसिबल एज फार एज यू आर अ ह्यूमन बीइंग. सो आपको ट्रेड ऑफ्स बास जगहों पर करने पड़ेंगे, आपको प्रायोरिटाइज बास चीजों को करना पड़ेगा, आपको अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना पड़ेगा, आपको एक्सपेक्टेशंस को इवेल्युएट करना पड़ेगा, आपको एक्शन प्लान्स बनाने पड़ेंगे. अगर आप ये गलतफहमी में रहो कि यू कैन क्रिएट एन एब्सोल्यूट बैलेंस, या आप सारी जिंदगी हमेशा बैलेंस में ही रहे हो, तो माइंड यू फिर आपका अपना बैलेंस जो है वो खराब है. सो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट था, इट इज आर्ग्यूड कि टोटल लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वर्क लाइफ बैलेंस इज टॉकिंग अबाउट. इट इज सेड इन द बुक दैट द टोटल लीडरशिप इज नॉट वर्क लाइफ बैलेंस. Equality is not possible
आपको पता है कि जैसे हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात भी करते हैं अमंग द पब्लिक, अमंग द कम्युनिटी, अमंग द यू नो पीपल, तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज नॉट समथिंग दैट वी प्रीच एंड टॉक अबाउट. Equal distribution of wealth is not possible. Equal distribution of wealth has always created disaster. So, jo cheez possible hai, that is not equal distribution, that is actually equitable distribution. So, hume equality se equitable context ke andar apne aap ko develop karna padega. So, equality ka jahan tak taluk hai, that is not possible as a human being. Trade-offs are to be taken. अक्सर औकात, अक्सर life instances में आपको trade-offs करने पड़ते हैं. अभी जैसे सलमान साहब भी आप बात अपनी कर रहे थे कि organizational life में भी, life में हम बेशुमार जो compromises ज़िंदगी में अपने देख रहे होते हैं. So they are basically what? They are the trade-offs जो बाज दफा पर बाज hierarchies के मुताबिक आपको life में करने पड़े. So basically ये सारी बात है क्या? It is argued in the book and it is saying कि it is not zero-sum game. We have to be, you know, coming out of this dilemma of life. We have to be coming out of this, ivory tower seclusion. कि ये zero sum game नहीं है. इस illusion से बाहर निकलना पड़ेगा. यहाँ पर कुछ adjustments, यहाँ पर कुछ trade-offs, यहाँ पर कुछ prioritizations वो करनी पड़ती हैं. वर्क लाइफ बैलेंस एंड टोटल लीडरशिप के हवाले से आगे फर्दर आपका ऑथर बात करता है कि वर्क लाइफ बैलेंस में क्रिएट अ कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन. ठीक है, मैंने आपको जैसे भी वार्न किया कि कंप्रोमाइज नहीं करना है. सो वर्क लाइफ बैलेंस में क्रिएट अ कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन, क्योंकि उस इक्वालिटी में आप बाजुकात राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज ये कंप्रोमाइज कर बैठोगे. वर्क लाइफ बैलेंस प्रोग्राम्स आर स्टैंडर्डाइज्ड. ठीक है, फिक्स प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के मुताबिक जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल्स को फॉलो अप करना होता है. वर्क लाइफ बैलेंस प्रोग्राम्स आर ड्रिवन टॉप डाउन. टॉप डाउन उसको सारा फॉर्मुलेट करते हैं, प्लान करते हैं और डाउन द हायरार्की वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो सर्कुलेट कर दिया जाता है. जबकि टोटल लीडरशिप इज फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइजेबल. ओके, तो ये एक क्वालिटी है जो कि टोटल लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट को वर्क लाइफ बैलेंस के डिजाइंड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम से डिफरेंट वो कर रही है. 20th सेंचुरी में जब हम दाखिल होते हैं तो 20th सेंचुरी की रूट्स जो हमें टोटल लीडरशिप के हवाले से मिली, उस वक्त बेसिक क्वेश्चंस व्हिच वर बीइंग आस्क्ड एंड एड्रेस्ड वर दैट व्हाट इज लीडरशिप एंड व्हाई डज इट मैटर, हाउ डज वर्क फिट विद रेस्ट ऑफ लाइफ. ये बहस थी, इस पर माजी में बड़ी गरम गरम गुफ्तगू हुई. How do organizations cultivate productive people? How do people in organizations learn and change? तो ये तमाम basic questions थे जिसके ऊपर leadership की theory, leadership की traits, leadership by birth है कि by choice है, ये सब discussions जो थी they were carried on. फिर आपके जब development of thought हम देखते हैं कि what is leadership and why does it matter में हमारे पास trait model आने शुरू हो गए. हमने कहा कि leadership perspective में leadership के पास initiative है, optimism है, confidence है, persistence है, self-awareness, sense of purpose, sense of encouragement, ability to delegate. तो ये सब traits हमने leader के अंदर ढूंढनी शुरू कर दी. हमने emotional and social intelligence के ऊपर बहस शुरू कर दी. हमने path goal setting theory के model बनाने शुरू कर दिए कि जनाब ये हमारा perspective होगा, इस तरीके से हम participation demand करेंगे. ये हमने machine like working जो थी उसको अपना norm of life वो बना लिया. So these were the things which were the hot topics in the 20th century. So how does work fit with rest of life? इसके ऊपर बहस अब आहिस्ता आहिस्ता डाइवर्ट होनी शुरू हुई. यहां पर आपका ऑथर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करता है और इसके बारे में बहुत कम लोगों ने जिंदगी में सोचा होगा. वो कहता है कि चाइल्ड, आपकी अपनी औलाद, इज मेनी अ टाइम्स द अनसीन स्टेक होल्डर एट वर्क. ओके, हम डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये बाउंड्री ऑफ वर्क है, ये बाउंड्री ऑफ होम है, ये बाउंड्री ऑफ कम्युनिटी है, ये मेरी बाउंड्री ऑफ लाइफ है. लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि बाज़ुकात वो बाउंड्रीज आपस में डिफ्यूज भी कर सकती हैं, बाज़ुकात वो बाउंड्रीज आपस में ओवरलैप भी कर सकती हैं, बाज़ुकात वो बाउंड्रीज हमारी सेम भी हो सकती हैं. सो हमारे बहुत से ऐसे, जिस तरह चाइल्ड का जिक्र आपकी बुक में उसने किया, बहुत से ऐसे अनसीन स्टेक होल्डर्स हैं कि जिनको हम डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ में वो इग्नोर कर जाते हैं और उनको इग्नोर करने से वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ, मैं कोट्स में बात कर रहा हूं, वी आर इन अ सिचुएशन ऑफ कंप्रोमाइज देम. सो
बहुत से मॉडल्स हमारे पास आए, एवोल्यूशन ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज थी वो पेश हुई, बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बहस जारी हुई, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर बड़ी बहस की गई, क्रॉस कल्चरल कंपैरिजन इसमें किए गए, पब्लिक पॉलिसी, फैमिली सिस्टम्स। तो इन सब चीजों को जब कभी भी डिस्कस किया गया, गलती क्या हुई? गलती यह हुई कि इन तमाम चीजों की डिस्कशन में हमने बकिया सबको कैप्ट कॉन्स्टेंट रख दिया, लेकिन साइंस की इक्वेशन में, साइंस के मॉडल्स में आप चीजों को केप्ट कांस्टेंट तो रख सकते हो कि कीपिंग ऑल अदर थिंग्स केप्ट कांस्टेंट ये फिनोमेना आपको ऐसे नजर आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में चीजों को केप्ट कांस्टेंट रखना वो शायद हमारे लिए मुमकिन वो ना हो। सो कन्फ्लिक्ट आना शुरू हो गया किसके माबेन? वर्क एंड द रेस्ट ऑफ लाइफ के दरमियान। और रेस्ट ऑफ लाइफ में कौन है? रेस्ट ऑफ लाइफ में आपका होम है, आपकी कम्युनिटी और आपकी अपनी जात है। सो टोटल ह्यूमन अप्रोच जैसे कॉन्सेप्ट जो थे दे वर इवॉल्व, जिनका कहना यह था कि व्हेन यू हायर समवन तो यू नॉट ओनली हायर दैट पर्सन साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली, यू हायर दैट पर्सन सोशली एज वेल। और जब तक उसकी सोशल लाइफ सेटिस्फाइड नहीं होगी वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटिस्फाइड बिहेव वो नहीं कर सकेगा, अदरवाइज वो वर्कोहॉलिक हो जाएगा, वो प्रेजेंटिज्म का शिकार हो जाएगा। वी हैव टू सेव द पीपल फ्रॉम दीज थिंग्स। देयरफॉर याद रखिए कि हमें ये भी चीज विजुअलाइज करनी है कि वर्क पे अगर आपके 8 घंटे गुजर रहे हैं तो कम्युनिटी और लाइफ एंड होम के साथ आपके 16 घंटे गुजर रहे हैं, तो डबल इंपैक्ट है उस लाइफ का आपके वर्क के ऊपर जिसको आप अक्सर कंप्रोमाइज कर जाते हो अपने वर्क के सदके। सो टोटल ह्यूमन अप्रोच ये भी एक कॉन्टिन्यूएशन है, ये डेवलपमेंट ऑफ थॉट है रिलेटेड टू दिस टोटल लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। अब हाउ टू ऑर्गेनाइजेशंस कल्टीवेट प्रोडक्टिव पीपल, इसके ऊपर थोड़ी सी बहस आपकी बुक में हुई। उसने कहा कि ह्यूमन इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ मशीन, प्लीज फॉर गॉड सेक ह्यूमन को आप अनदर कंपोनेंट इन द सिस्टम तसव्वुर मत करें। ह्यूमन की अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसका अपना एक एहसास है, उसकी अपनी एक तश्कील है, हम उसको सिंपली एक मशीन एनवायरमेंट का पार्ट तसव्वुर नहीं कर सकते। फोकस शुड बी मोर ऑन एर्गोनॉमिक्स, हमें यह देखना है कि हम मैन मशीन मॉडल्स कैसे बनाएं, हमें यह देखना है कि हम कैसा सिस्टम कैसे डेवलप करें जिसमें कि सेटिस्फेक्शन प्रोडक्टिविटी वो बेहतर से बेहतर हो, जिसमें कंफर्ट के ऊपर फोकस किया गया हो, जिसमें कि कंप्रोमाइज्ड सिचुएशन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स जस्ट टू अर्न योर प्रॉफिट मार्जिन्स वो ना हो। आपने ये क्यों तसव्वुर कर लिया कि स्टेक होल्डर शेयर होल्डर का जो ओनली ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ है? बहुत से और परस्पेक्टिव्स भी इन्वॉल्व किए जा सकते हैं और होने चाहिए भी। सो ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे टॉपिक्स जो थे ये इवॉल्व होने शुरू हुए, जिसमें कि हमने ये बातें सोचनी शुरू की कि हम जो पैसा लोगों पर लगा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग्स पर लगा रहे हैं, ये सिर्फ पैसा एज ए कॉस्ट नहीं है बल्कि ये इन्वेस्टमेंट है, और अगर इंसान पर लगा हुआ पैसा इन्वेस्टमेंट है तो यकीनन उसके ऊपर जो उसको रिटर्न आएगा वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा। सो ह्यूमन कैपिटल की वैल्यूएशन, ह्यूमन कैपिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशंस, इस तरह के जो मैट्रिसेस थी इन्होंने भी आना शुरू कर दिया इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस मैन मशीन मॉडल्स, इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस टोटल लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। सो मीनिंगफुलनेस इन वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन लाइफ, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो वो दी जानी शुरू हुई, और मीनिंगफुलनेस तब तक क्रिएट नहीं हो सकती जब तक माइंडफुलनेस वो ना हो, और माइंडफुलनेस तब तक क्रिएट नहीं हो सकती जब तक के साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव हम ऑफ लाइफ को वो ना समझें, और साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक के हम एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की तरफ वो ना जाएं। सो हाउ डू पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस लर्न एंड चेंज? It is said that self-knowledge is the leadership imperative. और self-knowledge के बगैर, अपने मन को जाने बगैर आप कभी भी किसी को लीड वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिस शख्स ने अपने आप को नहीं पहचाना, जिस शख्स का अपनी जिंदगी का मिशन एंड विजन क्लियर नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या चलाएगा, वो दूसरों को क्या बताएगा? सो ड्राइविंग फोर्सेस वर्सेस रेजिस्टिंग फोर्सेस नो डाउट इन लाइफ होती हैं, बहुत से चैलेंजेस, बहुत से कंडीशन सरकमस्टांसेस का सामना वो हमें करना होता है। देखना सिर्फ ये है कि आपके पास ट्रिगर्स क्या हैं, आपके पास मोटिवेशंस क्या हैं, आपके पास ड्राइविंग फोर्सेस कौन सी हैं जो कि लिए चल रही हैं आपको डेवलपमेंट की तरफ। अक्सर औकात हमें यह भी देखना है कि ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ के अंदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल विन्स एंड लार्ज स्केल चेंज। आप ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड अबव एवरेज रिटर्न की तरफ लेकर जाना चाहते हो कि आप सिर्फ उनकी करंट सेल्स को बढ़ाना चाहते हो? So, आपके मोटिव्स क्या हैं, आपके प्रस्पेक्टिव्स क्या हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देंगी आपकी लाइफ में। और ये स्मॉल विन्स एंड लार्ज स्केल चेंज ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्ड नहीं है,
टोटल लीडरशिप का कहना यह है कि ये तमाम तर चीजें आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऑफ लाइफ के साथ कनेक्टेड हैं, आपके वर्क के साथ भी उतनी ही कनेक्टेड हैं जितनी आपकी लाइफ के साथ एट होम, आपकी लाइफ एट कम्युनिटी एंड आपकी लाइफ फॉर योर ओन सेल्फ। आपको यह भी देखना है कि अक्सर औकात जिंदगी के अंदर आप जिंदगी को जी रहे हो कि जिंदगी आपको जी रही है। सो इनोवेशन हैज टू बी सिंपल एंड फोकस्ड, और इनोवेशन अगेन इसका फोकस सिर्फ वर्क की हद तक नहीं है, आपको इनोवेशन इन रिलेशनशिप भी चाहिए, आपको इनोवेशन इन क्रिएटिविटी इन प्रायोरिटीज भी चाहिए, आपको इनोवेशन इन क्रिएटिविटी इन एक्सपेक्टेशंस भी चाहिए, आपको इनोवेशन इन क्रिएटिविटी इन योर एक्शन प्लान्स भी चाहिए। सो दिस इनोवेशन इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ह्यूमर, दिस इनोवेशन इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग रिस्पेक्ट। सो आपको हर पहलू से हर अंदाज से देखना है कि जमाने हालात वाकयात के बदलते हुए तकाजों के साथ साथ आप अपने आप को कहां पर कैसे और क्यों कर प्लेस वो कर रहे हो। अब जब हम 21st सेंचुरी में दाखिल होते हैं तो 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक एक बहुत नई डिबेट वो हमारे सामने आ गई। उस डिबेट में इसके ऊपर लामहदूद गुफ्तगू की जा सकती है, जेंडर इक्वालिटी फॉर दैट मैटर, ठीक है, कि मेन एंड वेमेन आर इक्वल और मेन एंड वेमेन आर इक्विटेबल। अब ये बड़ी बहस है, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन वो की जा सकती है। आई वुड रिक्वेस्ट इफ एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास कैन कंट्रीब्यूट इन दिस पॉइंट कि व्हाट डू दे से अबाउट दिस जेंडर इक्वालिटी, एनीवन हु कैन टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन एंड लेट मी नो व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड दिस वर्ड, एंड माइंड यू द रिकॉर्डिंग इज ऑन। जी, एनीवन वुड लाइक टू स्टार्ट, दे कैन टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन प्लीज। सो जेंडर इक्वालिटी इज अगेन वन ऑफ द थिंग्स जिसके ऊपर बात की जा रही है 21st सेंचुरी के साथ ही। इसी तरह कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस की गई, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कवानीन तक बेशुमार चीजें हमारे सामने आनी शुरू हुई, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लेम यह था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेशंस दे डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट एंड देन दे स्टार्ट प्लानिंग टू रिस्टोर द एनवायरमेंट, ठीक है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बहुत से कॉर्पोरेट स्कैंडल्स वो हमारे पास आए, बहुत सी फॉर्च्यून 500 जो बेस्ट रन कंपनीज थी दे वर बैंकरप्ट इन स्प्लिट ऑफ सेकंड। सो ये सब चीजें हमारे सामने आनी शुरू होती हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की जरूरत पेश आती है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, इन तमाम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कहां पर हम शेयर होल्डर के राइट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, कहां पर एजेंसी थ्योरी और एजेंसी प्रॉब्लम जो है वो अकर कर रही है। तो तमाम ये चीजें थी जिसके ऊपर जो बहस थी वो 21वीं सदी के आगाज में वो शुरू हो गई। लाइकवाइज वर्ल्ड वॉज एंगेज्ड इन कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, एथिकल डायलेमास वर कमिंग इन। जी रिफत, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग प्लीज। जी सर, वो जेंडर इक्वलिटी वाले पॉइंट में कि जैसे जैसे टाइम गुजरा और लोगों की नरिशिंग हुई, उन्होंने जेंडर के डिफरेंसेस को ओवरकम करना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा फीमेल कंट्रीब्यूशन भी सोसाइटी में और ऑक्यूपेशंस में आना शुरू हुई, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन की वजह से, फीमेल कंपोनेंट के रिप्रेजेंटेशन की वजह से भी फिर एक लीडर का के लिए एक और चैलेंज क्रिएट हुआ कि उसने इस डाइवर्सिफिकेशन को, इस डिफरेंट रोल्स को कैसे मैनेज करना है एक प्लेटफॉर्म पर रह के। तो लीडरशिप में एक नया एस्पेक्ट सामने आया कि अगर मेल और फीमेल की इक्वालिटी इंश्योर करनी हो ऑर्गेनाइजेशन में तो उनके इंटरेस्ट को, उनकी उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे उनके उनके साथ होने वाले ग्रीवेंसेस को एड्रेस करना है। Absolutely. Do you think that they are equal or they are equitable? I would like to have your word on this. असल में हर जेंडर के अपने रोल्स हैं और जैसे वो अपने रोल्स को परफॉर्म करना उसके लिए ड्यू है, उस हद तक उसका रोल इक्विटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हम कह सकते कि एक रोल फीमेल ने जो परफॉर्म किया है वही मेल से भी रिक्वायर्ड है, जबकि दोनों के रोल्स डिफरेंट हैं। हाँ, उनके उन रोल्स की रिक्वायरमेंट्स जिसके लिए जैसी है वो वैसी परफॉर्म करेगा, तो ये उसकी तरफ से इक्विटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है, अपने अपने रोल से जस्टिफिकेशन है। अदरवाइज हम सेम रोल्स नहीं दोनों को असाइन कर सकते। Obviously, और उसमें हम जो एक फैक्टर ऑफ रिस्पेक्ट है, फैक्टर ऑफ डिग्निटी है, वो सारा हम मेंटेन रखें। एक बड़ी खूबसूरत मुझे एक एग्जांपल पढ़ने का इतफाक हुआ कि क्या 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई बराबर हो सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई वो बराबर हो सकते हैं। द आंसर इज येस, द आंसर इज नो, बिकॉज 1 किलो तो बराबर है, 1 किलो लोहा और 1 किलो रुई बराबर तो है, लेकिन वो बराबर नहीं है।
राइट, दोनों का परस्पेक्टिव डिफरेंट है, दोनों की नेचर डिफरेंट है, दोनों का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, दोनों की शेप डिफरेंट है, दोनों का जो जो उनका ओरिजिन है वो भी डिफरेंट है. सो थिंग्स आर डिफरेंट, थिंग्स आर सेम. सो इसके ऊपर हमें बड़ा वो केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम कहां पर इक्वल की बात कर रहे हैं और कहां पर इक्विटेबल की बात कर रहे हैं. जी, यू कैन अगेन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन, मुझे और भी कुछ हाथ नजर आ रहे हैं. यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन, जी, एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट. जी प्लीज, यू कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन प्लीज. सलमान साहब, यू कैन, एनीबॉडी, जो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, दे कैन टर्न ऑन योर माइक्रोफोन प्लीज. जी सर, जहां ये जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है सर, तो ये इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना. जी, जेंडर इक्वालिटी के बड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, यानी जहां, चूंकि ये एक ऐसी बहस है सर जो काफी मतलब यानी जमानों से ये चल रही है जेंडर इक्वालिटी के, इसके पॉजिटिव सर देखें तो एक ह्यूज पॉपुलेशन इन्वॉल्व है आपकी प्रोग्रेस की तरफ. अगर हम फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग की तरफ जाए तो जेंडर इक्वालिटी की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो तभी प्रोग्रेस मुमकिन है. जी. और जहां सर ये जिस आस्पेक्ट इक्विटेबल का आस्पेक्ट अगर हम वो करें तो वो हर जगह तो सर शायद एप्लीकेबल ना हो. जी. बट कहीं टू सम एक्सटेंट कुछ जगहों में एडवांटेज फीमेल को होगा, यानी फीमेल जेंडर को होगा, कहीं जो है सर मेल जेंडर को होगा. इज बड़ी स्पेसिफिक ब्यूटी है इसमें, एक बैलेंस है. जी बिल्कुल है, डेफिनेटली बैलेंस फिट इन करना सर, ये एक सोसाइटी का भी काम है और उसको अगर ऊपर लेवल पे जाएं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशंस का और उससे ऊपर गवर्नमेंट की जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी ये काम है कि दे शुड क्रिएट अ स्पेसिफिक बैलेंस. जी बिल्कुल है. तो जेंडर इक्वालिटी इज अ टर्म जो के रिक्वायर्ड है, मतलब इसके अलावा शायद कोई वे आउट नहीं है हमारे पास. जी बिल्कुल, डेफिनेटली है. और आपने भी बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन यूज किया कि अगर हम थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर भी देखें और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को भी अगर हम जहन में रखें, तो जब कभी भी किसी मुआशरे ने उस इक्वालिटी को, उस इक्विटेबल कॉन्टेक्स्ट को फोकस किया सो दैट डेवलप्ड, और जब कहीं पर नजरअंदाज किया, अगेन वो जो एक्सप्रेशन हमने यूज किया था कि कंप्रोमाइजेस की तरफ चले गए, तो ऑब्वियसली उनका जो नतीजा था वो हरगिज भी बेहतर नहीं था. बिकॉज कॉन्ट्रीब्यूशन का जब हम बात करते हैं तो जस्टिफिकेशन तभी क्रिएट होगी कि जब कंट्रीब्यूशन जो है वो दोनों तरफ से वो आ रहा हो अपने अपने पर्सपेक्टिव्स के, अपने अपने अंदाज के, अपने अपने तरीकेकार के हवाले से, तो उससे एक बैलेंस जो है वो ऑब्वियसली क्रिएट होगा. थैंक यू वेरी मच सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच रिफत. एनीबॉडी एल्स यू वुड लाइक टू कमेंट ऑन दिस? सोशल चेंज की हम बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में हम दाखिल हो रहे हैं, 21वीं सदी के तकाजों के मुताबिक हमारे सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. आई वुड लाइक टू हैव द पार्टिसिपेशन फ्रॉम द क्लास के पब्लिक पॉलिसीज, एथिकल एक्शंस, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी, दीज वर द थिंग्स जिसके ऊपर बड़ा मेजर फोकस डाइवर्ट हो गया हमारा इस 21वीं सदी के आगाज से ही. जी, एनीवन वुड लाइक टू ऐड प्लीज? सो ये जो टॉपिक्स थे सारे, ये ना खत्म होने वाला सिलसिला था. इसमें बेशुमार और पर्सपेक्टिव्स हमें देखने को मिले. फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे सामने आती है, साइबर फिजिकल सिस्टम्स हमारे सामने वो डेवलप कर जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हमारे सामने आ जाती हैं. सो बहुत से हवालों से 21वीं सदी केम अप विद इट्स ओन चैलेंजेस एंड ओन नॉर्म्स एंड ओन वैल्यूज. ओके, और उसी के साथ साथ 21वीं सदी के तकाजों के अंदर ही पैंडेमिक का दोबारा से रूनुमा होना और ये तमाम तर मामला जो थे, दे वर ऑल देयर टू कम एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन पर्सपेक्टिव. अब इस टॉपिक को अगर हम एक स्टेप आगे और लेकर चलें तो इट सेज के डिमांड ऑफ अ न्यू वर्कफोर्स बिकेम नॉर्म ऑफ द डे. आई थिंक समबडी इज आस्किंग फॉर समथिंग. ओके, वी विल हैव अ ब्रेक, डोंट यू वरी, वी ओनली हैव 4 more minutes टू गो ऑफ द सेशन. आई नो अबाउट द ब्रेक. सो डिमांड ऑफ अ न्यू वर्कफोर्स, इट वॉज लाइक बिकेम द हॉट टॉपिक ऑफ द टूडे, और उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड एंड फन was you know required, because jitni anxiety, frustration aur tension ka environment create ho chuka tha, jitna job burnout create ho chuka tha market mein, industry mein, un sab ko tackle karne ke liye bahut zyada discussion jo thi, it was related to the positive attitude and fun and self development ke upar bahut focus wo kiya jana shuru hua, aur organizational development ko self development ke sath associate wo kiya gaya. हमारे ये बहुत बड़ा एक डायलेमा देखने को मिलता है, एक बड़ा एथिकल इशू भी है कि ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप एंड पीपल डोंट डेवलप. तो दैट मींस कि कोई सीवियर गैप
वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सीवियर डेफिशिएंसी वहां पर मौजूद है कि जिसके अंदर, जिसकी वजह से इस कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट को सेल्फ डेवलपमेंट के साथ एसोसिएट नहीं किया जा रहा, या ये चीज हमें डेवलप होती नजर नहीं आ रही। सो दैट इज समथिंग विच नीड टू एड्रेस, कि सेल्फ डेवलपमेंट शुड बी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इन रिवर्स शुड बी सपोर्टिंग द सेल्फ डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स के हवाले से आखिरी छोटी सी डिस्कशन है और बहुत खूबसूरत डिस्कशन है, विच हैज इवन गिवन मी द शिवर्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, कि जब हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो एक तरफ वी से कि डिजिटल रेवोल्यूशन आ गई है, दूसरी तरफ वी से कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वो डेवलप कर गई है, नॉलेज मैनेजमेंट की इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी डेवलप कर गई है, नॉलेज मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, नॉलेज वर्कर्स डेवलप कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तमाम तर डिजिटल रेवोल्यूशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज ने, इस कनेक्टिविटी ने, इस 24/7 365 कनेक्टिविटी ने हमें एक और तरह की मुसीबत में डाल दिया, एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंगली सेड कि दिस इज 24/7 365 कनेक्टिविटी विच इज ए न्यू काइंड ऑफ स्लेवरी। यू आर, आई एम एडिक्टेड टू दिस, एंड दिस इज अ स्लेवरी, दिस इज एन एडिक्शन, ओके, और गैर महसूस तरीके से ये मुसलसल पेनिट्रेट करती चली जा रही है हमारी प्रायोरिटीज में, हमारी लाइफ्स में, हमारे सुकून में, हमारे हर एक प्रस्पेक्टिव में। और बेक वक्त इसके खिलाफ भी कोई सुनने को कुछ तैयार नहीं, बेक वक्त इसके हवाले से हर किसी के पास 15,000 एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशंस भी हैं, और बेक वक्त इसके होने से बेशुमार कंप्रोमाइजेस भी क्रिएट हो रहे हैं। So, ये जो न्यू नॉर्मल है 24/7 365 कनेक्टिविटी का, दिस न्यू नॉर्मल इज जस्ट अनदर नेम ऑफ बिकमिंग अ स्लेव। अब आपके पास जो ऑफिस आवर्स हैं वो आपके 8 to 4 या 9 to 5 के नहीं है, अब आपके पास ऑफिस आवर्स 24/7 365 के हैं। इस कनेक्टिविटी ने जहां पर चीजों को रेवोल्यूशनाइज किया, जहां पर चीजों को स्पीड अप किया, वहां पर बहुत कुछ हमसे छीन भी लिया। लास्ट सेंटेंस इस पे हम पढ़ रहे हैं कि टर्निंग ऑफ सीजन एंड द राइजिंग ऑफ सन हैज चेंज्ड इट्स मीनिंग फॉर अस, एंड वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग, कि व्हाट वी आर एक्चुअली गिविंग टू अवर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन, व्हाट मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट मीनिंग ऑफ नेचर, व्हाट मीनिंग ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू ट्रांसफर टू अवर नेक्स्ट कमिंग जनरेशन। ऑन दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है, सेशन टाइम हमारा यहां पर खत्म हो रहा है।